कलयुग के अंत के समय धरती का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। दुनिया भर में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जल और वायु प्रलय होंगे, यानी आंधी और तूफान से दुनिया को बहुत बड़ी हानि होगी। इसमें यह बताया गया है कि आसमान में दो सूरज होंगे, जिसमें से एक सूरज बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिससे उत्पन्न हुई सुनामी से उड़ीसा पूरी तरह डूब जाए। यानी इस पुस्तक में कलयुग के अंत के समय घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। कितना सच और कितना झूठ। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका हमारे चैनल के इस विशेष एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का वीडियो एक बहुत ही चर्चित विषय पर है, और वो विषय है भविष्यमल्लिका पुराण और उसकी भविष्यवाणियाँ। तो क्या है भविष्यमल्लिका पुराण, कौन है इसके रचयिता, भविष्यमल्लिका के अनुसार हमारे देश और दुनिया का भविष्य क्या है, कितनी सच है इसकी भविष्यवाणियाँ। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सारे सवालों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, इसका बेल आइकन दबा लें, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सीधी मिल सके। तो आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चित विषय भविष्यवल्लिका पुराण पर। आइए तो सबसे पहले जानते हैं क्या है भविष्यवल्लिका पुराण और क्यों बन गया है ये चर्चा का केंद्र। दोस्तों, भविष्यमल्लिका का शाब्दिक अर्थ है भविष्यवाणियों की माला या श्रृंखला। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भविष्यमल्लिका पुराण और भविष्य पुराण को एक समझते हैं, जबकि यह दोनों अलग अलग हैं। भविष्य पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी को माना जाता है। उनके द्वारा रचित यह पुराण सनातन धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में सम्मिलित किया गया है, जबकि भविष्यमल्लिका पुराण संत अच्युतानंद जी की एक कृति है। संत अच्युतानंद जी का जन्म आज से 600 साल पहले उड़ीसा स्थित जगन्नाथ धाम के समीप हुआ था। वे उन 5 सखाओं में से एक थे जिन्होंने सनातन ग्रंथों का उड़ीसा की जो उड़िया भाषा है उसमें अनुवाद किया है। संत अच्युतानंद दास जी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। वे बेहद ही प्रकांड विद्वान थे। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों लोकों को देखने की शक्ति प्राप्त थी। उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर योग, तंत्र, आयुर्वेद जैसे विषयों पर अनेक पुराण रचे, और जिनमें से आज सबसे ज़्यादा चर्चित है भविष्यमल्लिका पुराण। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि असल जो भविष्यमल्लिका पुराण है उसकी रचना ताड़ के पत्तों पर की गई थी, जो आज भी जनमानस को उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में भविष्यमल्लिका पुराण की है पुस्तक जो ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे उड़ीसा के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने लिखा है, और उन्होंने इसमें असल पुस्तक के वर्णन का दावा किया है। फिलहाल इसका पहला भाग ही प्रकाशित हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है इस पुस्तक में। पंडित काशीनाथ मिश्र जी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में कई भविष्यवाणियाँ की गई हैं। इसके अनुसार फिलहाल कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन का क्रम चल रहा है, जिसे संगम युग की संख्या दी गई है। इसके अनुसार 2032 में कलयुग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस पुस्तक में भारत और विदेश को जगन्नाथ धाम का केंद्र मानकर कई भविष्यवाणियाँ की गई हैं। पुस्तक में वर्णित और सोशल मीडिया में प्रख्यात चर्चाओं के अनुसार भारत तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर खड़ा है। इसके अनुसार चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा, हालांकि अंत में जीत भारत की ही होगी। और इस युद्ध के समापन पर चाइना समेत इन 13 मुस्लिम देशों का वजूद मिट जाएगा। इसमें यह भी लिखा है कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप भी पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा, अमेरिका जलमग्न हो जाएगा और रशिया एक हिंदू राष्ट्र के रूप में उभरेगा। और इन सभी घटनाओं के बीच भारत में एक योगी का शासन होगा।
सोशल मीडिया पर एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी को इस योगी के रूप में देख रही है। इस पुस्तक में अन्य भी कई बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के संकेत दिए गए हैं। इसके अनुसार कलयुग के अंत के समय धरती का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, दुनिया भर में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जल और वायु प्रलय होंगे यानी आंधी और तूफान से दुनिया को बहुत बड़ी हानि होगी। इसके साथ ही इसमें यह बताया गया है कि आसमान में दो सूरज होंगे जिसमें से एक सूरज बंगाल की खाड़ी में गिरेगा जिससे उत्पन्न हुई सुनामी से उड़ीसा पूरी तरह डूब जाए। यानी इस पुस्तक में कलयुग के अंत के समय घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में भारत और विदेश का जगन्नाथपुरी धाम को केंद्र मानकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं। इस पुस्तक में वर्णित और सोशल मीडिया में प्रख्यात चर्चाओं के अनुसार भारत तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है। कितना सच और कितना झूठ? दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद मन में एक ही सवाल उठता है कि इस पुस्तक की सभी भविष्यवाणियां कितनी सच्ची हैं और कितनी झूठ। इस सब को लेकर भी सोशल मीडिया पर लोगों की भावनाएं बटी हुई हैं, कुछ इसके फेवर में हैं तो कुछ इसके अगेंस्ट में हैं। दोस्तों, कई लोग इस पुस्तक को असली भविष्य मल्लिका का एक विकृत रूप बता रहे हैं। उनका यह मत है कि जब असली पुस्तक की मूल प्रतियां ही जनमानस में उपलब्ध नहीं है और ना ही लेखक ने इस पुस्तक में इसका खुलकर वर्णन किया है तो इस पर विश्वास कैसे किया जाए। हालांकि इस प्रकार कहा जाए तो बहुत से ग्रंथों की मूल प्रतियां आम जनमानस में आज भी उपलब्ध नहीं है। बहुत से लोगों ने इन सभी ग्रंथों का विश्लेषण अपने अपने तरीके से किया है। एक पक्ष का विरोध है कि इस किताब के कारण मूल ग्रंथ के रचयिता संत अच्युतानंद दास जी की कृति को हानि पहुंची है, क्योंकि इन्होंने कई रचनाएं की हैं जो बहुत उच्च कोटि की हैं और इस किताब में जो चंद पंक्तियां कोट की गई हैं उनका स्तर इतना अच्छा नहीं है जो इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उत्पन्न करता है। इसके विरुद्ध कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 432,000 वर्ष है, जिनमें से अभी 5,125 वर्ष ही बीते हैं, अतः कलयुग के समापन की बात असत्य है। अब यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि कलयुग की आयु की गणना को लेकर शास्त्रों और विद्वानों में भी भेद है। कुछ लोगों का मानना है कि लोगों के कर्मों के प्रभाव से ही कलयुग की आयु के वर्ष घटकर कुछ हजार वर्ष ही रह जाएंगे। हालांकि यह बहुत ही जटिल और विवादास्पद विषय है तो इस पर कुछ भी ठोस कह पाना संभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि असल भविष्य मल्लिका में संत अच्युतानंद दास जी ने इस बात का जिक्र किया है कि कलयुग में इतनी प्रकार की संख्याओं का प्रयोग होगा कि किसी भी घटना के एग्जैक्ट समय का अंदाजा नहीं लगाया जा सकेगा। तो प्रश्न यह आता है कि ऐसे में हम क्या करें। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इतनी सारी भ्रांतियों और भेद के बीच इस पुस्तक और इसकी भविष्यवाणियों को हम कितना सच माने और कितना नहीं। हालांकि यह हर एक व्यक्ति की अपनी श्रद्धा और आस्था का सवाल है, परंतु मेरा यह अटल विश्वास है कि जो ईश्वर ने निर्धारित किया है वह होगा ही। जब भगवान कृष्ण महाभारत नहीं टाल सके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता हरण नहीं टाल सके, तो हमारे और आपके बस में है ही क्या। हमारे और आपके बस में केवल और केवल है हमारे कर्म और हमारा आचरण। तभी तो इस पुस्तक के मानने वालों ने भी केवल अच्छे कर्म करते हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए, सिर्फ ईश्वर की भक्ति और शास्त्रों का अनुसरण करने पर जोर दिया है। वो कहते हैं ना कि हम विद्या और ज्ञान ऐसे ग्रहण करें जैसे हम सदैव जिएंगे, वहीं हम शास्त्रों का अनुसरण इस प्रकार करें कि शायद यह हमारे आखिरी पल हों।
तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप भविष्य मल्लिका पुराण पर क्या विचार रखते हैं। साथ ही आपको अगर ये हमारे प्रयास पसंद आए हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम भविष्य में भी ऐसे दिलचस्प मुद्दों पर अनेक वीडियो लेकर आते रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष मुद्दे पर एक वीडियो बनाएं और उसकी जानकारी विस्तार में आपके साथ साझा करें, तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।